एक क्वेश्चन देखो अब। अब कोई टाइप के क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, हम जैसे हम पढ़ चुके हैं पीछे। इसको हम लिख सकते हैं 2 sin² x/2, इसको 2 cos² x/2 dx। 2 से 2 कट गया, अब जरा मेरे को इसका एक बार आंसर लिख के दिखाओ सभी। आगे क्या करेंगे करना जरा। करो इसका आंसर, बताओ एक बार। तो 10² x/2 को हम ये लिख सकते हैं, अब ये sec² x/2 का इंटीग्रेशन हो गया 10x/2, और अपॉन में 1/2 लिखना मत भूल जाना, बस ये भूल जाते हैं कई बार बच्चे, तो आंसर ये आ गया।